नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेसीडी विद्यापीठ में 16वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। अर्जुन अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने किया शुभारंभ। सफलता को जीत मान करके आगे बढ़ोगे तो सफलता निश्चित है, मनदीप जांगड़ा। पुरुषों व महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं 800 मीटर दौड़ में अजय सिंह प्रथम रहा। पलपल शीर्ष से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जेसीडी विद्यापीठ में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डी व अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी पायल जांगड़ा भी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर शमीन शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास्ट के माध्यम से तथा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण करके गुब्बारे हवा में छोड़ करके किया गया। इस दौरान आज आयोजित करवाई गई पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में मेमोरियल कॉलेज के अजय सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं डेंटल कॉलेज के निहाल सिंह व विनय कुमार ने क्रमश द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर महिला वर्ग में मेमोरियल कॉलेज की मनदीप कौर व भूवी ने क्रमश प्रथम व द्वितीय स्थान तथा डेंटल कॉलेज की छात्रा अंजू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग की डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में IBM के रणजोत ने प्रथम स्थान तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के अमित ने द्वितीय स्थान तथा मेमोरियल के सुनील कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर महिला वर्ग के डेंटल की नैन्सी ने प्रथम स्थान तथा BEd कॉलेज की ज्योति ने द्वितीय स्थान और मेमोरियल की जैस्मिन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में मेमोरियल की पिंकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं डेंटल की रितु ने द्वितीय स्थान तथा BEd की सरोज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंत में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। पलपल सिरसा की विशेष उल्लास था बच्चों में। मौसम का साथ ना होते हुए भी जेसीडी विद्यापीठ के बच्चों ने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी बच्चों में बहुत ज्यादा उल्लास है। और विद्यापीठ इस तरह के प्रोग्राम कराता रहता है। अभी मैनिफेस्टो हुआ 2 दिन और अब ये 2 दिन तक एथलीट मीट चलेगी, जिसके हमारी वर्ल्ड के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे MLA अभय सिंह चौटाला जी रहेंगे और बच्चों में बहुत उल्लास है। यहाँ पे एथलीट मीट जो ग्राउंड्स में होती है, रेसेज हैं 800 से लेकर 1500 से, 100 से, 200 से, इस तरह की बहुत सारी 20 से भी ज्यादा विधाएं हैं जिसमें बच्चे अपना अलग अलग ढंग से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। समापन अवसर पर पहली बार हमने किया है होली के उपलक्ष में, एक हमारा जो राधा कृष्ण के रूप में बच्चे एक कंपटीशन रहेगा और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यहाँ के चेयरमैन श्री अभय सिंह जी रहेंगे और पूरा स्वागत करेंगे बच्चे उनका इस प्रोग्राम। आज हमारे जेसीडी विद्यापीठ की 16वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है और ये हमारा रेगुलर फीचर है। साल में एक बार हम सारे हमारे जो 6 कॉलेज यहाँ पर कैंपस में हैं उनके बच्चों का एक तरह से इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट होती है। एथलीट से जुड़े हुए जितने भी रेसेज हैं, थ्रोज हैं, वो सब इसमें किए जाते हैं और बेस्ट एथलीट को प्राइज देते हैं। मकसद इसके पीछे यही है कि पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, प्रोफेशन अपनी जगह ठीक है, सेहत के लिए फिटनेस के बहुत तरीके हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब तक प्रतियोगिता की भावना नहीं आएगी, खेलों के प्रति हमारी रुचि जागृत नहीं होगी, तब तक एक अधूरापन रहता है व्यक्तित्व में। तो व्यक्तित्व की समग्रता के लिए और बच्चों को खेल कूद के प्रति और अधिक ज़्यादा शिद्दत से आकृष्ट होने के लिए ये एथलेटिक मीट का आयोजन हम वार्षिक तौर पर करते हैं। तो आज चीफ गेस्ट कौन थे और समापन अवसर पर कौन है? आज हमने आमंत्रित किया है एक इंटरनेशनल हमारे बॉक्सर हैं जो कि सिरसा जिले के खारिया गांव के रहने वाले हैं और अर्जुन अवार्डी हैं, मिस्टर मनदीप जांगड़ा। उनकी बहुत बड़ी मैं कहती हूँ कि देन है बॉक्सिंग के अंदर कि उन्होंने हरियाणा का इतना नाम एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ में किया है और सिरसा में वो एकेडमी भी चला रहे हैं बॉक्सिंग की। तो आज वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, हमने उनका बहुत स्वागत किया। बच्चे बहुत खुश हुए कि एक ऐसे बढ़िया स्तर के खिलाड़ी से रूबरू होने का उनको मौका मिला। और रही बात कल की समापन समारोह पर, तो कल हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन है श्री अभय सिंह जी चौटाला और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता सिंह जो हैं वो पधार रहे हैं।